जी नमस्ते। हमार परिचय बा, हमार नाम है संजीव पांडे। हम एक अभिनेता के तौर पे हिंदी फिल्म सीरियल में काफ़ी समय हो गई सक्रिय बनी। अब भोजपुरी फिल्म में एक लेखक के तौर पे, एक निर्देशक के तौर पे हम मैंने आयल बनी, जेकर नाम है पूरनमासी, निर्मल मालती इंटरटेनमेंट बैनर बा एकर, और एकर जे निर्माता बा और जो निर्माता ये राजीव पांडे हमारे बड़े भाई हैं, और ये इसमें डेब्यू भी कर रहे हैं एज ए मेन लीड, आप जिसको कह सकते हैं मेन लीड डेब्यू कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रोमांटिक इनका पेयर है अमृता पांडे, और इसमें एक प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है निधि झा का। निधि झा बहुत ही काफ़ी फेमस वहाँ की आर्टिस्ट हैं, और वो उनका प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है, मुख्य उनका किरदार है, और निधि झा को नए रूप में दर्शक देखने वाले हैं। नए रूप में कहने का मतलब कि खूबसूरत निधि झा, सिंपल निधि झा, सोबर निधि झा, तेज तरार निधि झा, और एक सुबोध जी हाँ। और एक भूत के तरीके में, भूतनी के रूप में, भूतनी के रूप में, जो कि दर्शकों को मतलब बिल्कुल ही बेचैन डराने वाली है। तो ये पूरनमासी का हमारा एक तरीका है, मतलब हम लोग ला रहे हैं, तो यही है पूरनमासी के स्टार्टअप फिल्म का। और स्टार कास्ट के थोड़ा वही बता दीजिए। फिल्म के स्टार कास्ट सब फिल्म के बड़ा बड़ा लोग बा, चर्चित चेहरा बा, हम ही नया बानी, बाकी सब लोग में जे भी बा इस्टेब्लिश बा, काफ़ी समय से काफ़ी लोग भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के दिले बा, और अपन नाम कमाइल बा, वो सारा लोग हमारे साथे सहयोगी बन के फिल्म में आइल बा, ये हमारा खातिर बहुत अच्छा बात बा। सुबोध जी, सुबोध सेठ, काफ़ी भोजपुरी के, हाँ काफ़ी भोजपुरी के चर्चित चेहरा बानी सुबोध जी, निधि झा, अवधेश मिश्रा जी, सीपी भट्ट, एकरा बाद फिर अमृता पांडे, अभिषेक सिंह, अनीता रावत भी एक बहुत ही मुख्य किरदार में बाड़ी, एकरा बाद माही खान, एक बहुत अच्छा उभरता हुआ एक्ट्रेस है, बहुत ही अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, अभिषेक सिंह गोलू जो कि सिंगर है और छोटा भाई की तरह है, और बहुत बहुत अच्छा फैंटास्टिक एक्टर भी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। एक डॉक्टर राजेंद्र यादव जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र यादव ने इसमें, हाँ बहुत ही माइंड ब्लोइंग उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, लार्जर देन लाइफ, एक एक बाप का जो चरित्र निभाया, दर्शक देखेंगे तो वाकई में मजबूर बाप और उस तरीके का। और सारे लोगों का सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे इस फिल्म की खासियत सुबोध जी जो ये था कि भाई सब लोग पूछते हैं कि भाई हमार रोल कितना बा, हमार कै गो सीन बा, इसमें भर भर के सीन है सबका, 18-20 दिन, जितने का जितना सीन है सबका बराबर बराबर सीन है, 18-20 दिन, नहीं तो सबका बराबर सीन है। किसी के हिस्से में 65 सीन गया है, अब आप आकलन लगा लीजिए, किसी के हिस्से में 60 सीन गया है, किसी का 55 गया है, मतलब यही है रेंज सबका। सुबोध भैया, निधि झा के नाम आते चेहरा पे बहुत तेज मुस्कान आई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अरे अच्छी कलाकार है निधि झा, खूबसूरत है, अच्छी है, अच्छे नेचर की भी है, उन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया फिल्म की शूटिंग के दौरान भी, तो अच्छा नाम है तो मुस्कान तो आएगा ना चेहरे पे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा दर्शक रहुआ के खाली विलेन के तौर पर देख ले भाई में का कैरेक्टर, ना ना विलेन तो का संघर्ष में हम बड़ा भाई बनन वाली खेसारी के, और भी पॉजिटिव कर ले बने दो चार गो में, ये फिल्म में का ये फिल्म में भी पॉजिटिव रोल बा, ड्राइवर का रोल बा मस्त, पूरे फिल्म में जो यूनिट को लेके जाती है सुमो से अपने गाड़ी पे शूटिंग करवाने, कहानियां ज्यादा रिवील ना कीजिए, और कहां कहां क्या क्या घटना घटा है उसमें इन्वॉल्व है ये पूरा पूरी तरह से। सर राहुल परिचय जाने के चाहते नहीं सबसे पहले जी। नमस्कार, हमारा नाम राजीव कुमार पांडे है, और हम इस फिल्म के लीड के लिए बने और निर्माता भी बने इस फिल्म के। रुवा कहाँ से बिलोंग करेले जी? हम तो बिहार के डेहरी ओनसोन सासाराम एक जगह पर रोहतास जिला में, वहीं से बिलोंग करते हैं। तो ये फिल्म रुवा अचानक से शूटिंग करे के कैसे ख्याल आई कि एक प्रकार के सिनेमा बने के चाहिए हॉरर फिल्म भोजपुरी में? देखें चूँकि हमने के ये लोग भी हमारे भाई ही है, और हमने के पूरा फैमिली फिल्म लाइन में ही बनी जा, और फिल्म लाइन में बनी जा तो चूँकि ये लोग तो हिंदी से रहन, हम भी हिंदी में कुछ रहें, लेकिन अपने गांव वगैरह पे जब जात रहें तो वहाँ के दर्शक लोग के देखत रहें कि वहाँ मतलब फैमिली ड्रामा देखत रह जा, मतलब वह देख देख, फिर कुछ दोस्त लोग बोला जा कि कुछ चेंज चाहता, मतलब मजा नहीं आवत भोजपुरी देखत देखत मन भर गया,
तो एक दिन संजीव से हम बात कही कि एक फिल्म बनावे के मन करता और मतलब कुछ हॉरर टाइप के, क्योंकि बचपन से थोड़ा हम हॉरर फिल्म खुद भी देखत रहे, मतलब पसंद करत रहे हम। ऐसा रहे कि पढ़े के टाइम पे हम नाइट में हॉरर फिल्म देखे चल जाते रहे कि हॉरर के फील मिले, दिन में देखो तो फील मिली ना हमरा, नाइट में फील मिली। तो यह के चलते तो सोचने कि मतलब भोजपुरी में कुछ हिंदी टाइप के हॉरर बने, तो वही हिंदी फीलिंग के रखे खातिर कि मतलब भोजपुरी के टच के ना छोड़े, मतलब क्योंकि भोजपुरी में यहाँ गाना चाहिए दर्शक के। और बहुत सा ऐसा फिल्म भोजपुरी में हम देखने कि फैमिली लोग टीवी पे साथ में ना देख सकते रहे, अगर गाना वगैरह स्टार्ट हो तो टीवी बंद कर देवे चाहे, मतलब तो ऐसा रहल कि हम अपन लिरिक्स राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर से कहनी कि हमारा गाना साफ सुथरा चाहिए, ताकि हमारा मतलब पूरी फैमिली, हमारा अपन जब पूरा फैमिली हम बैठ के देख सकेला तो और भी दर्शक के अपन फैमिली के साथ देख सकें, ना तो हम ही अगर अपन फैमिली के साथ ना देख सकें तो दर्शक भी काहे देखे हैं, अपन फैमिली के काहे देखे हैं। तो भोजपुरी सिनेमा बिना अश्लीलता के चली, बिना आइटम सॉन्ग के चली, एकदम चली। पहले पहले तो चलत रहे ना, बीच में अश्लील भइल, पहले तो चलत रहे विदेशी या गंगा किनारे मोरा गाँव वगैरह वो सब तो चलते रहे, पूरा नदिया के पार वगैरह सब चलत रहे ना, तो फिर काहे ना चली, जरूर चली। अभी जो दौर चलते हैं दौर के हिसाब से, ना दौर के हिसाब से देखें गाना साथ, अभी तो बहुत सा अश्लील के खिलाफ लोग भी उठल बा सारा, तो अभी तो लगा था कि अच्छा समय आवे वाला बा, सब कुछ चेंज हो गई। निधि झा के साथ काम करे के अनुभव कैसन रहे? बहुत अच्छा रहल, मतलब ऐसा ना लगल कि मतलब वो ऐसा हमारा फील ना दिले लेकिन बहुत बड़ा स्टार बानी चाहे ये, मतलब उस तरह मतलब पूरा हमारा यूनिट में जितना कलाकार रहन सब कोई हमरा छोड़ के तो सब कोई पहले से एस्टेब्लिश है ये रहन, लेकिन वैसा कुछ ना महसूस भेल हमरा अच्छा लगल। मतलब निधि झा के का अच्छा लगल रहुआ का, माने कुछ विशेष शूटिंग के दौरान बताई? हाँ, निधि झा जी जे बानी पहले तो मतलब बहुत सिंपल किस्म के, कहना से पूछे बात अमृता पांडे के बारे में पूछिए, उनका हीरोइन वही रहे तो मतलब सिंपल किस्म के, और मतलब बहुत मदद करे वाली बड़ी, मतलब जैसन रुआ चाहब जब टाइम से आना हर चीज, मतलब हर चीज मतलब प्रोफेशनलिज्म। हाँ, शूटिंग के दौरान कोनो ऐसा किस्सा जोन दर्शक लोग से शेयर करिए तो फिल्म आवे वाला बा, शूटिंग के दौरान कुछ यादगार पल? हमारे पास तो बहुत बा, एक हो गए रहे मतलब थोड़ा सा हमने के यूनिट में ही मतलब कुछ एक हमने यहाँ यज्ञ हो गए रहे, भैया कुछ होटल वगैरह का कुछ समस्या खड़ा हो गई रहे, तो वो हमने खातिर बहुत चुनौतीपूर्ण हो गए, मतलब वो सेठ जी ओकर भुक्त भोगी बानी रीअरेंज करना, रीअरेंज करना वो मतलब हमने खातिर, लेकिन होइल सबके को हो गई सब हमने के अरेंज करनी जा, मतलब ये आदमी हीरो थे और ये आदमी खुद, ये हीरो डायरेक्टर ये खुद रात दिन लग के कैसे कैसे होटल मैनेज किए सबको, फिर ठहराए दो दिन चार दिन का मामला था, तो ये शूटिंग भी करते थे ये लोग, और जब सेट पे पहुंचते थे ना तो लगता था चेहरा ऐसा कि क्या शूटिंग करेंगे, अभी ना जा सो पा रहे हैं, जगह जगह रात भी गुजर रहा है, फिर शूटिंग भी करना है। 90% जो शूट था ना वो था नाइट। मन में कोनो डर बा पैसा ढेर खर्चा हो गइल बा? ना पैसा ढेर खर्चा हो गइल बा या डर नहीं के, थोड़ा सा भी डर रहकर नहीं के, डर ये बा कि हमनी के एक नया शुरुआत कैले बानी जा, और हमनी के पब्लिक बड़ा, हाँ रिस्पॉन्स क्या, रिस्पॉन्स सबसे बड़ा है, पब्लिक कितना तो बड़ा रिस्पॉन्स हमनी के देता, बस ओकरे डर बा, और मतलब एक उम्मीद बा कि जैसन स्टोरी बा, जैसन हमनी के मेहनत कैले बानी जा, जैसन हमनी के बनैले बानी जा फिल्म, एकदम नयापन देले बानी जा। रउआ देख ली आज तक भोजपुरी लैंग्वेज में हॉरर फिल्म नहीं है, हॉरर थ्रिलर रोमांटिक मतलब फुल नहीं है, 100% फुल फ्लेश पर एक जोनर, जो हम एक जोनर नया जोनर भाई, नया जोनर स्टोरी ट्रैवलिंग थ्रिलर जोनर, हाँ जोनर भी ट्रैवलिंग और ये सब, पहले हॉरर है लेकिन वो कुछ पारिवारिक टाइप के हॉरर रहता है, थोड़ा थोड़ा ये डर बा कि रिस्पॉन्स कैसन हुई, अंदर से खुशी ये हो बा कि पब्लिक एक बार देखी तो उनका पसंद तो बहुत आई, बहुत लाइक पब्लिक करी और बहुत मतलब उन लोग को पसंद आई, तो थोड़ा सा ये बाकी पैसा पैसा वैसा जो लागल बा जो ये बा ओकर थोड़ा सा भी बिजनेस हो जाए ऐसे कि वो चीज
पब्लिक पर डिपेंड बा, अगर उनकरा तरफ से एक्सेप्ट हो गई तो वो रिटर्न हमनी के दुर्गा पूजा पर रिलीज करे के प्रोग्राम बटे आ हॉरर फिल्म बा जी, का दर्शक लोग पसंद करी कि दुर्गा पूजा में तो भूत प्रेत खूब चलेला तो उसके लिए तो और बढ़िया बा जी। एकर एक और ई बा कि जैसे दुर्गा जी हमनी के बहुत बड़ा हमनी के बिहार और बंगाल और उस साइड में दुर्गा जी के बहुत बड़ा पूजा होला, और दुर्गा जी और देवी दुर्गा जी राक्षस के आई सब जितना भी बान उनकर नाश की ले भाई, तो उ टाइम पे ऐसे ले ले बानी जा कि हमनी के पॉजिटिव एनर्जी आवे और निगेटिव जो भी थॉट जो भी चीज़ें बा जो भी मतलब बा तो पॉजिटिविटी ज़्यादा हो। अभी सुबोध भैया को नाम बताओ तो ओकरो खुलासा तो नहीं कर दी का मतलब। अच्छा अमृता पांडे जी जी हमार मतलब इस फिल्म में हीरोइन बड़ी अपोजिट में वही बड़ी हमार मतलब रील में के रियल में नहीं रील में रियल में कुछ यादगार पल बताई कि का उनका साथे अच्छा लगा था हसल मोवल झगड़ा कोइल ना बहुत अच्छा कलाकार बड़ी बहुत अच्छा कलाकार बड़ी और मतलब बहुत सपोर्ट कैली वो भी मतलब ऐसा कोई ना बहुत अच्छे कोनो उनका साथे यादगार पल याद होके तो पूरा पल पूरा शूटिंग है यादगार रहल हुआ एक को तो मैंने कहा सारा अच्छा सर एक मिनट एक बात मैं बोलना चाहता मैं इतना फिल्म किया ना पहली बार देखा हूँ कि पैकअप के बाद जो आर्टिस्ट जा रहे हैं सब रोते हुए गए हैं वहाँ से, इतना लगाव हो गया था ये हुआ था बहुत सा फिल्म हम लोग किए लेकिन इस टाइप का फिल्म कभी नहीं किए जो कि मतलब पारिवारिक लगाव के साथ। बिहार ने बहुत सारा स्टार दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री जी, क्या अगला स्टार तैयार है बिहार के लिए? ये तो दर्शक तय करेंगे। दर्शक से क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? दर्शक से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे फिल्म को देखें और प्यार दें और मुझे हिम्मत दें कि मैं आगे से भी इस टाइप की साफ सुथरी फिल्म मैं बनाऊँ।